हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, बीएनएमयू बोले तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, यदि आप भी एडमिशन लेना चाहते हो, नामांकन लेना चाहते हो बीएनएमयू जैसे यूनिवर्सिटी में, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, सारा कुछ जानने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध कर दूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके यूनिवर्सिटी व कॉलेज की न्यूज सबसे पहले, जी हाँ सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट्स और सजेशन आपको बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आपके मन में किसी तरह के सवाल एजुकेशन संबंधित बन रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बस बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी आप सभी प्यारे बच्चों को ऐड हो जाना है, ताकि आप हमेशा की तरह आप अपने यूनिवर्सिटी व कॉलेज की जानकारी पा सके। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से बता दूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको हमेशा की तरह अपडेट मिलता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले हम लोग पेपर कटिंग को काफ़ी बारीकी से समझते हैं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और आपके मन में किसी तरह का गिला सीख पाए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, बीएनएमयू में पार्ट वन नामांकन में कई विषयों में सीट से कम पड़े आवेदन। जी हाँ, सीट मान के चलो 100 है तो उससे भी कम पड़े आवेदन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट वन में नामांकन के लिए मेधा सूची होगी जारी, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा, मेधा सूची के आधार पर ही एडमिशन होगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों में जो भ्रम की स्थिति थी वो अब क्लियर हो गया है, मेधा सूची के आधार पर आप सभी का एडमिशन होगा। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि देखिए, यहाँ पर अंत तक बने रहिएगा। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट वन सत्र की बात करें, 2021-22 में विलम्ब से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया की तिथि समाप्त हो चुकी है। जैसे बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो बाकी यूनिवर्सिटी में नामांकन अंतिम चरण में था, तो वहीं हमारा बीएनएमयू नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रही थी। तो अब जो है यानी कि अविलंब से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया की तिथि समाप्त हो चुकी है। आवेदन समाप्ति के बाद मेधा सूची, जी हाँ, मेधा चयन सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विश्वविद्यालय के अधीन मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों के सभी कॉलेजों, जी हाँ, कुल मिला के 3 जिलों के सभी कॉलेजों को मिलाकर स्नातक में 62,664 सीटें आवंटित की गई। कई लोकप्रिय विषयों में निर्धारित सीट से 3 से 4 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए, ठीक है, जबकि करीब आधे दर्जन विषयों में सीट के मुताबिक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए। बताया जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया देर से शुरू होने के कारण कुछ छात्र जो है दूसरे विश्वविद्यालय में आवेदन कर नामांकन ले लिए हैं। स्वाभाविक सी बात है, आपका सेशन जब लेट चलेगा साहब, तो दूसरा विश्वविद्यालय विद्यार्थी ज्वाइन करेगा ही। विश्वविद्यालय की ओर से 2 बार आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई। इससे पहले 5 वर्षों में निर्धारित काफ़ी अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। विश्वविद्यालय ने स्नातक पार्ट वन में नामांकन के लिए 18 से 27 सितंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित की थी। विद्यार्थियों की मांग पर विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अक्टूबर और फिर 18 अक्टूबर कर दिया। इस दौरान भी आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या निर्धारित सीट से अधिक नहीं हो पाई। इसके बाद आपके क्या कहते हैं DSW, स्नातक पार्ट वन में नामांकन के आवेदन की तिथि खत्म हुई है, अब जल्द ही यानी कि अतिशीघ्र उम्मीद है कि 26 तारीख से पहले आप सभी का मेधा सूची बना नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। तो नामांकन मेधा सूची के आधार पर आप सभी का नामांकन होगा और आवेदन की तिथि जो है समय खत्म हो गई है और मेधा सूची जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। बात करते हैं विषयवार, जी हाँ, विषयवार आवेदन की संख्या इस प्रकार है, देख लीजिए, यहाँ भी देखना बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं विज्ञान संख्या में, बॉटनी में तो 1632 पर 869 मतलब आए हैं विद्यार्थी। केमिस्ट्री की बात करें, 1672 पर 2435। ज्योलॉजी की बात करें, 304 पर 154। मैथमेटिक्स साइंस में बात करें, 2528 पर 1101। वहीं फिजिक्स में बात करें तो 1776 पर 1302, ठीक है। एस्टेटिक्स विज्ञान में बात करें, 368 पर 0 यानी कि 2। वहीं जूलॉजी की बात करें तो 1846 पर 4141 आवेदन आवे। तो सबसे कम बात करें तो हम लोग यहाँ पर एस्टेटिक्स में 368 में मात्र 2, ठीक है, और जूलॉजी में सबसे ज़्यादा 1846 में 4141, ठीक है। तो इस प्रकार रहा है, ठीक है। वहीं बात कर ले 62,664 सीटों के विरुद्ध करीब 56,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, मतलब कुल मिला के बात करें तो जितना सीट है उससे कई काफ़ी कम आवेदन भी आए हुए हैं। कई विषयों में काफ़ी कम की गई, विषयों में अधिक पड़े आवेदन, ठीक है।
तो प्यारे दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। तो आप सभी का जो है आवेदन की यानी कि अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, अब मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीद है कि 26 से पहले प्रकाशित कर दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।